तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे? मोल्टन फॉर्म में जो अगर इलेक्ट्रोलाइट है, देन व्हाटएवर आर द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल गिव द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, विल गिव द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत सिंपल तरीके से आंसर निकालना है। PbCl2 है तो Pb कैथोड पे, Cl2 एनोड पे। NaBr है तो Na कैथोड पे, Br2 एनोड पे। बात समझ गए? नहीं, बहुत सिंपल तरीके से आंसर निकाल सकते हैं इसमें। अगर मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी आयंस है इलेक्ट्रोलिसिस के, वही हमें दे देंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वही प्रोडक्ट दे देंगे इलेक्ट्रोलिसिस के। तो इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करना है आगे, जैसे अगर मैं एक्वस फॉर्म में लेता हूं, सपोज इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रोलाइट इज इन एक्वस फॉर्म, एक्वस NaCl है, और इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स किसके हैं? पीटी के। तो अब इसमें हमें दिक्कत क्या आएगी? इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि अब इसमें ये इलेक्ट्रोल प्लेटिनम का, ये प्लेटिनम का, प्लेटिनम या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दिया इसको, एक्सटर्नल सप्लाई लगा दी, यहाँ पे करंट सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। तो ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं। अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, तो Na प्लस, अब ध्यान देना, Na प्लस आयंस कहाँ जाएंगे? नेगेटिव के पास। Na प्लस यहाँ होंगे और H प्लस यहाँ पे होंगे। अब और यहाँ पे Cl माइनस होंगे और OH माइनस होंगे, Cl माइनस OH माइनस। अब तुम्हें बताना कि प्रोडक्ट्स क्या होंगे इलेक्ट्रोलिसिस के। अब इसमें बताना कि क्या होंगे प्रोडक्ट्स। अब इसमें निकालना ना, एक बार ध्यान सुनना क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आंसर करना Na सॉल्यूशन में मिलेगा ना। इसमें क्वेश्चन निकालना इसलिए टफ होगा क्योंकि Na प्लस और H प्लस ये दोनों आयंस, दोनों आयंस कहाँ हैं? कैथोड पे, ये कैथोड पे हैं, और एनोड पे हमारे पास क्या है? एनोड पे हमारा Cl माइनस है और OH माइनस। अब इन दोनों में से एक है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इन दोनों में से एक है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इनमें से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसमें मैं कंसेप्ट थोड़ा बहुत बता देता हूँ, अदरवाइज ये बहुत डिटेल में टॉपिक है, बहुत डिटेल में टॉपिक है, मैं ट्वेल्थ में लूंगा डिटेल में इसको। अभी सिर्फ आंसर नोट कर लेना इनके, आंसर कैसे निकालते हैं इसका। तुम ये देखो पहले, Na जो है, सोडियम मेटल जो है, ये इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी करेगा, इसकी फॉरवर्ड वाली रिएक्शन जल्दी होगी कि बैकवर्ड वाली? Na जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी करेगा कि Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी करेगा, बताओ जरा। Na प्लस गेन करेगा, लूज करेगा। Na जो है, ये Na, ये इलेक्ट्रॉन लूज बहुत जल्दी करेगा, सोडियम तो बहुत रिएक्टिव है, ये इसलिए इलेक्ट्रॉन को लूज जल्दी करेगा। जब ये लूज जल्दी कर रहा है, यानी ये दोनों जल्दी बन रहे हैं, तो अब ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं कर सकते होंगे, तभी तो बन रहे हैं ये, यानी Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तुम खुद सोच के देखो ना, अल्कली मेटल्स, कोई भी अल्कली मेटल है वो बहुत रिएक्टिव होगा, अल्कली मेटल बहुत रिएक्टिव होगा, तो इसलिए क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज करेगा, अल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज करेगा। लेकिन अब वो जो आयंस बने हैं, दे कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें देखना Cl- OH- में से, Cl- है और OH- है, इन दोनों में से ना, अब ये समझ नहीं आने वाला। हाँ, Cl- जो है ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे पहले, इस चीज ऊपर से रिलेटेड, Na इलेक्ट्रॉन जो है लूज जल्दी कर रहा है, Na जो है इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी कर रहा है, यानी ये Na प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को गेन तो नहीं करेगा, ये Na प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को गेन तो नहीं करेगा ना, क्योंकि Na ने इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी किए हैं। इसका मतलब कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो होगी H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव हाफ H2, ये होगी कैथोड की, मतलब इन दोनों में से H प्लस जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बन जाएगा और एस्केप कर जाएगा। और Na प्लस कहां जाएंगे? सॉल्यूशन के अंदर। Na प्लस कहां जाएंगे? सॉल्यूशन के अंदर। अब Cl माइनस OH माइनस में से, Cl माइनस और OH माइनस में अभी नेगेटिव है, नेगेटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये एनोड पे प्रेजेंट होंगे, इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो Cl माइनस और OH माइनस है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? Cl माइनस, क्योंकि Cl कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए ये इसकी लूज करने की इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी ज्यादा होगी। नहीं समझ आएगा अभी ये, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा हुआ चैप्टर। FON जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास संभाल के रखते हैं, इसके बाद Cl होता है। FON जो है ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखेंगे। OH- है, OH- और Cl- तो Cl- इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन बन जाएगा।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और Cl2 गैस यहाँ पे Cl2 गैस एस्केप कर गई, यहाँ H2 गैस एस्केप कर गई, Cl2 गैस एस्केप कर गई कहाँ पे, एनोड पे, H2 गैस कहाँ एस्केप करेगी, कैथोड पे। अब Cl- चला गया तो OH- कहाँ आएगा सॉल्यूशन में, तो Na+ और OH- दोनों कंबाइन करके क्या बना देगा NaOH, इसलिए जो NaCl की रिएक्शन होगी वाटर के साथ NaCl+ वाटर ये बनाएगा NaOH प्लस हाफ H2 कैथोड पे प्लस हाफ Cl2 एनोड पे। ये है इसका पूरा कंसेप्ट, ये इसका पूरा कंसेप्ट है जो मैंने सिखाया अभी तुम्हें, अगर याद रखते हो याद कर लेना। ये बहुत आगे मैं अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर शायद हाइड्रोजन स्टार्ट करूंगा ताकि सबको समझने में कोई दिक्कत ना आए, तो ये याद इसको समझ लेना एक बार कि किस तरह से किया। अब इसके डायरेक्ट आंसर कैसे लेंगे मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें, किसी को पूछना कुछ। सर ये Cl वाले में OH इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, OH पे नेगेटिव चार्ज है ना। यस सर, नेगेटिव किसी के पास चार्ज है तो नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, नेगेटिव मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करेगा, तभी तो वो एनोड पे आया है, तभी तो ये एनोड पे आया है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा। ये देखो ये H+ था, H+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कैसे गेन किए, जो क्या कहते हैं Cl- ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे और H+ इसको गेन कर लेगा। Cl वाले के इलेक्ट्रॉन को गेन करा है। हाँ, Cl वाले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl वाला तो इलेक्ट्रॉन, ये Cl जो है यही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, Cl- ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस इलेक्ट्रॉन को H+ ने गेन कर लिया जल्दी, दोनों थे Na+ भी था H+ भी था, कौन जल्दी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, H+। और कुछ पूछना तो पूछ लो, इसमें जो पूछ सकते पूछ लो इसके अंदर। सर नेगेटिव वैलेंसी का मतलब गेन होता है ना, लेकिन नेगेटिव वैलेंसी मतलब उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने गेन इलेक्ट्रॉन किया हुआ है, और नेगेटिव वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ध्यान रखना चीज का। नेगेटिव वाला जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पॉजिटिव वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हाँ, अगर वो हायर स्टेट में जा सकता है, जैसे मान लो अगर Cu+ होता तो क्या पता वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दे, क्यों, क्योंकि उसकी हायर स्टेट Cu2+ होती है, नहीं तो इसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम होगी, प्लस चार्ज है तो गेन करने की ज्यादा होगी। हाँ, अगर ये Cu2+ स्टेट स्टेबल होगी तो ये इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये जो बताया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, जितना मैं भी रटवा दूंगा इसको कैसे करना है ये, लेकिन कंसेप्ट जो अगर थोड़ा बहुत भी सीख लेते हो ना तो उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज होगा। हाँ, ये कंसेप्ट मैं बहुत डिटेल मिलूंगा 12th क्लास में, अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे वो काम कर रहा हूँ जिससे तुम आगे ना रट लो कि ये रट के आंसर आ जाएगा इसका, नहीं तो पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो, हालांकि 11th के कोर्स में भी तुम्हारे थोड़ा बहुत, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में लेते नहीं 11th में, वो 12th में बहुत डिटेल में है, समझ भी तब ढंग से आएगा। तो इसमें कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो तुम। चलो देखेंगे फिर आगे। चलो ध्यान देंगे। अब ये मैंने तुम्हें बता दिया एक्वस NaCl है, अगर तुमसे क्वेश्चन आता है अगर एक्वस NaCl है तो यूजिंग प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम यानी इनर्ट, तो आंसर क्या होगा, देन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्या है। तो बहुत सिंपल सा आंसर लिखना तुम्हें, ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ध्यान रखना हमेशा, प्लेटिनम एक ग्रेफाइट ही होना चाहिए तो ये आंसर है, नहीं तो चेंज होता आंसर भी। तो एक्वस NaCl है, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालना है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, सिंपल सा आंसर, कैटायन तुम्हारे पास कभी भी, अगर अभी मैं सिर्फ आंसर निकालने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे हाइड्रोजन चैप्टर है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, उसमें मैं ये चीज यूज करूंगा, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूंगा कि ये मैंने रिडॉक्स में बताया हुआ था, Na+ और H+ ये जब भी आएंगे कभी भी कैटायन, ध्यान सुनो लाइन, कभी भी कैटायन अगर Cu2+ या Ag+ में से कोई एक है तो हमेशा कैथोड पे यही मिलेगा, हमेशा कैथोड पे, अगर Cu2+ है तो Cu मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन दो गेन करके, Ag+ है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बन जाएगा। दोबारा सुनो लाइन मेरी, अगर Cu+ है या Ag+ है देन ओनली दीज मेटल्स विल बी ऑब्टेन्ड एट कैथोड, अदरवाइज ऑलवेज हमें मिलेगी कैथोड पे हमेशा। Cl
पीछे वाला समझ आया? पीछे वाला भी समझ नहीं आया? पीछे वाला आ गया, ये वाला समझ नहीं आया। नहीं आया समझ? कौन बोल रहा है? सर ये वाला नहीं बोल रहा है? नाम बोलो सर, कौन बोल रहा है? नैंसी, तुम तो अभी एंटर हुए हो, अभी एंटर हुए हो तुम। सर वो नेटवर्क इशू। अच्छा नेटवर्क इशू है, चलो कुछ नहीं होता। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ना एक्वस एनएसीएल, अगर वॉइस कट रही है तो मेरे को बता देना जरूर। एक्वस एनएसीएल अगर क्या है, एक्वस एनएसीएल, तो उसके इसमें प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? एक्वस एनएसीएल प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? कभी भी कैटायन अगर, कभी भी कैटायन अगर CU2 प्लस या Ag प्लस के अलावा है, हमेशा H2 गैस मिलेगी कैथोड पे। समझ आई बात कि नहीं है? Yes, sir. Yes, मैंने क्या बोला, कभी भी कैटायन अगर Cu2 प्लस या Ag प्लस के अलावा है, जैसे Na प्लस, Mg2 प्लस, Sr2 प्लस, K प्लस, Al3 प्लस, कोई भी कैटायन आ जाए, उसके साथ हमेशा एक्वस मीडियम में क्या होगा, H प्लस, हमेशा क्या मिलेगी, H2 गैस, ऑलवेज H2 गैस। लेकिन मान लो अगर आ जाता है Cu2 प्लस और H प्लस, तो क्या मिलेगा, Cu मेटल, कैथोड पे मिलेंगे हमेशा। ये प्लस है तो मुझे कहाँ मिलेगा, कैथोड पे ये मिल जाएगा। Ag प्लस H प्लस आ गया तो क्या मिलेगा, Ag। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए, हिंट मैं हल्का सा दे रहा हूं, ये Ag कॉपर प्लस 2, Ag प्लस किसके आयंस हैं ये कम रिएक्टिव मेटल के आयंस है। कॉपर कम रिएक्टिव है, Ag सिल्वर तो नॉर्मल मेटल होता है, ये कम रिएक्टिव है, तो इनके आयंस पॉजिटिव वाले ज्यादा स्टेबल नहीं होते, इसलिए जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझिए कि नहीं है? तो और Na प्लस के आयन स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि सोडियम तो बहुत रिएक्टिव है, वो अपना Na प्लस जल्दी बनाएगा, Mg ज्यादा रिएक्टिव है, Mg2 प्लस जल्दी बनाएगा, स्ट्रॉन्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, अपना प्लस 2 जल्दी बनाएगा, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, अपना K प्लस जल्दी बनाएगा, ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये स्टेबल फॉर्म में होंगे, इसलिए इनके रेस्पेक्ट में H प्लस जो है अनस्टेबल है, वो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बना देगा। अभी समझ आया कुछ के नहीं है? कैथोड का आंसर नहीं क्लियर हुआ? नैंसी सर आवाज नहीं आ रही है, सर आवाज नहीं आ रही है। और एक मिनट, एक नैंसी बोल रही है क्या? यस सर। नैंसी एक मिनट को, मैं फिर एक बार चेक करता हूँ नेट का, कहीं मेरे को ही दिक्कत ना हो कहीं इसी में। बाकी सबको भी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है आवाज। नैंसी चेक करो फिर नेटवर्क, नहीं आ रही है मेरे को, नहीं आ रही है। किस किस को नहीं आ रही आवाज? चलो फिर एक बार तो मैंने बता दिया कैथोड पे क्या आंसर आएगा, हमेशा ऑलवेज H2 गैस, ये याद रख लो कैथोड पे आंसर। मैं एक्वस की बात कर रहा हूँ, मोल्टन की बात नहीं कर रहा, कैथोड पे आंसर इज ऑलवेज H2 गैस, कैथोड पे आंसर इज ऑलवेज H2 गैस, एक्सेप्ट कौन से केस में, कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर के केस में क्या मिलेगा, कॉपर और Ag, अदरवाइज ऑलवेज H2 गैस। अभी समझ आ गया कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? आ गया सर। यस सर आ गया, आ गया सर। हाँ चलो, अब जैसे मैंने, अगर मैंने पूछा, अब एनोड का आंसर मैं बता रहा हूँ, एनोड का देखना, एनोड का ना सिर्फ ये चीज याद रख लेना जो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, एक्स माइनस ओ एच माइनस नाइट्रेट आयन सल्फेट आयन, इसका ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का ऑर्डर लिखा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब एक्स माइनस अगर है तो ये सबसे जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके X2 बनाएगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, एक्स माइनस से X2 का, एक्स माइनस से X2 का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। मतलब इसकी वैल्यू अगर एक्स है सपोज, या इसकी वैल्यू अगर मान लो दे रखी है वैल्यू इसकी टू, इसकी वैल्यू टू है,
तो OH माइनस से O2 बनता है, OH माइनस क्या बनता है O2, तो इसकी वैल्यू होगी 1.5, समझ आया कुछ कि नहीं है? तो क्या जल्दी बनेगा, X2 जल्दी बनेगा कि O2 जल्दी बनेगा? इसकी E नॉट, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है ज्यादा है, इसलिए X माइनस मतलब हमेशा X2 बनेगा, OH माइनस मतलब O2 बनेगा, OH माइनस मतलब क्या बनेगा O2, ये दो चीजें याद रहेंगी क्या, इनके मत सोचना क्या बनना है, ये कभी भी आएंगे तो क्या मिलेगा X2 गैस या O2 गैस। अब ध्यान सुनना अगर आंसर देना है इसका, और X2 ये है क्या Cl2 है, Br2 है या I2 है, ये क्या है Cl2 है, Br2 है या I2 है, याद रहेगा Cl2 X, यहाँ पे X जो है वो क्या है Cl, Br या I, X here is Cl, Br और I। अब ध्यान सुनना क्वेश्चन, अगर मान लो तुम्हारे पास Cl माइनस है और OH माइनस है कैथोड पे, तो क्या मिलेगा Cl2 गैस। अगर तुम्हारे पास मान लो Br माइनस है और OH माइनस है, तो क्या मिलेगा कैथोड पे, एनोड पे, सॉरी एनोड पे, Br2 गैस। क्या मिलेगा Br2 गैस। अब मान लो अगर एनोड पे तुम्हारे पास है OH माइनस और NO3 माइनस, तो क्या मिलेगा O2 गैस। अगर मान लो तुम्हारे पास Cl माइनस है और SO4 2 माइनस है, तो क्या मिलेगा Cl2 गैस। आ रहा समझ के नहीं है? अगर मान लो तुम्हारे पास इस पे है सपोज OH माइनस और सल्फेट आयन, OH माइनस और सल्फेट आयन, तब क्या मिलेगा एनोड पे O2 गैस। अभी समझ आ गया कि नहीं है? समझ आ गया कैसे करने हैं? एक तरीका और बता देता हूँ, एक तरीका रटने का तरीका बता रहा हूँ, ये दूसरा, ये भी मैं सिर्फ तुम्हें रटवा रहा हूँ, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, ये इससे कोई कंसेप्ट नहीं दे रहा, कंसेप्ट दूंगा बाद में, अगर आता आंसर पहले से पता होगा ना तो फिर कंसेप्ट भी सीख जाओगे आराम से, लेकिन वो अभी नहीं दूंगा मैं, ये ट्वेल्थ में ही दूंगा तुम्हें डिटेल में, ये ट्वेल्थ का ही पार्ट है, स्कूल में भी शायद ना करवाएं ये, तो ध्यान देना इधर, जिसमें कम एटम, एनोड पे क्या मिलेगा, जिसमें कम एटम उसकी गैस मिल जाएगी, ये याद रखना, जैसे एक्स में कितने एटम है, कितने एटम है इसके अंदर, एक ही तो है, एक एटम है, सीएल ही तो होगा या भैया, कितने एटम है ये, कितने एटम है, वन। इसमें कितने एटम है, टू, OH माइनस में टू, टू, एनओ थ्री माइनस में कितने एटम है, फोर, फोर, और SO4 टू माइनस में फाइव। अभी समझ आ गया कि नहीं, समझ आ गया, जिसमें कम एटम, जिसमें कम एटम उसकी गैस मिल जाएगी, मिलना क्या है X2 या O2, और अगर F को ध्यान रखते हो ना, इसमें कौन कौन से है, Cl है, Br है, I है, क्या है इसमें Cl, Br और I, F को ध्यान रखते हो तो ये बीच में आता है इसके OH माइनस के बाद, फिर आएगा NO3 माइनस, अगर ये याद रखते हो, याद कर लेना, X माइनस OH माइनस F माइनस इधर है, X माइनस OH माइनस F माइनस, X माइनस OH माइनस F माइनस, क्योंकि F तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उससे पहले तो O इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी O2 गैस मिल जाएगी। अभी समझ आ गया कि नहीं, ये एक बार नैन्सी बोलेगी, अब नैन्सी ध्यान सुनना, नैन्सी यस सर, हाँ नैन्सी तुम बताओ जरा, मान लो अगर ध्यान देना क्वेश्चन आंसर देना फास्ट, मान लो तुम्हारे पास I माइनस है, I माइनस है और NO3 माइनस है, तो एनोड पे क्या मिलेगा बोलो, I माइनस और NO3 माइनस है एनोड पे, आवाज कट रही है अनन्य, तुम्हारे पास भी, अनन्य तुम्हारे पास भी आवाज कट रही है क्या? नहीं सर बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो एक बार तुम ना रिकॉर्डिंग वाला पार्ट देखना एक बार, क्या नाम है नैन्सी, अभी आई एक बार, चेतन सुन रहा है क्या, चेतन इशांक, यस सर, इशांक बोल रहे ना, यस सर सुन रहा हूँ,
हाँ ईशांक तू बता, आई माइनस और एनओ थ्री माइनस एनोड पे है। चेतन चेतन जल्दी बोला करो थोड़ा, फिर आई माइनस और एनओ थ्री माइनस है तो क्या मिलेगा बता एनोड पे, क्या मिलेगा? आई टू। हाँ आई टू मिलेगा, समझ आ गया तेरे को ये? आई टू हाँ सही है सही है, आई टू मिलेगा। चलो अब ध्यान देना, अभी ये क्लियर हो गया अगर तो नेक्स्ट। अब बताना आंसर, अब आंसर बताने सीधा कैथोड पे और एनोड पे। सॉल्यूशन में क्या मिलेगा वो नहीं बताना अभी। चलो तीनों लिख देता हूँ मैं, एक्वस NaCl, स्क्रीन पे भी कुछ नहीं है अब मैं लिख रहा हूँ। एक्वस NaCl है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड से, याद रखना किसके इलेक्ट्रोड से, प्लेटिनम के। तो कैथोड पे क्या मिलेगा? Na metal। एक मिनट जो बस, एनोड पे क्या मिलेगा? सॉल्यूशन में अगर पॉसिबल है तो, सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स या निकल के, प्लेटिनम के या निकल के इलेक्ट्रोड्स हैं। एक्वस NaCl है, कैथोड पे क्या मिलेगा? H2 गैस। बहुत अच्छे, H2 गैस। एनोड पे Cl2, Cl2 गैस। और सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ेगा पीएच में? पहले पीएच कितना था, अब पीएच कितना हो गया? पहले पीएच था 7, हाँ न्यूट्रल, यानी पीएच 7, अब 7 से ज्यादा हो जाएगा, अब 7 से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि एनओएच बन गया, पीएच बढ़ जाएगा। ये किसने दिया आंसर? विधि। हाँ विधि ने दिया सही, बहुत अच्छी विधि। अच्छा नेक्स्ट अब है दूसरा केस, अगर है ध्यान देना इधर, एक्वस Na2SO4, Na2SO4 क्या आंसर आएगा कैथोड पे, क्या आंसर आएगा एनोड पे? सर कैथोड पे H+H2 और एनोड पे ऑक्सीजन OH। ये कौन बोल रहा है, ये बोल कौन रहा है, बोल कौन रहा है? प्रथम प्रथम कैथोड पे क्या मिलेगा? H2। हाँ H2 और एनोड पे O2। परफेक्ट। और सॉल्यूशन में NaSO4, Na2SO4 दे लिखा हुआ तब भी गलत बोल रहा है, सॉरी। Na2SO4 नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट बताएंगे एक्वस MgH2 कैथोड पे एनोड पे, कैथोड पे और एनोड पे H2। बहुत अच्छे, किसने बोला ये? सम्यक। सम्यक बहुत अच्छे। और एनोड पे H- Mg2 नहीं H2, दोनों पे H2। ये मैंने लिखा, मैंने पीछे लिखा नहीं है H- का, H- सबसे ज्यादा, H- सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, वो H2 मिलेगा उसका। चलो ये याद रख लेना, ये मैंने लिखा नहीं है पीछे, मैंने X- से भी आगे आएगा H-। और सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? Mg OH होल्ड परफेक्ट बिल्कुल। किसने बोला आंसर ये? प्रथम। बहुत अच्छे प्रथम। एक्वस अब ले रहे हैं एक्वस CuCl2 कैथोड पे एनोड पे, Cu मेटल, कैथोड पे Cu मेटल, Cu कैथोड पे Cu। बहुत अच्छे, अब समझ आ गए कि नहीं? ये अगर Cu या Ag आ जाए, Cu या Ag आ जाए तो कैथोड पे हमेशा यही मिलेंगे, अदरवाइज ऑलवेज H2 गैस, अदरवाइज ऑलवेज H2 गैस। ये क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये कम रिएक्टिव है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एनोड पे Cl2 गैस, Cl2 गैस। बहुत अच्छे Cl2। और सॉल्यूशन में CuOH नहीं तो मिल गया, H2O। किसने बोला आंसर स्टार्टिंग में, किसने बोला था? रितिका। रितिका बहुत अच्छे, रितिका H2O। हाँ क्या हुआ, चलो बताओ ये CuCl2 है, अब इसमें पीएच में क्या फर्क पड़ा होगा, कोई बता सकता पीएच पे? पहले पीएच क्या रहा होगा, लेस देन 7 ग्रेटर 7, और अब पीएच कितना हो गया होगा? पहले लेस देन 7 था,
पहले लेस देन 7 क्यों था? अभी सर HCl plus COOH whole twice था तो COOH whole twice बहुत strong acid है, perfect ना, बिल्कुल perfect हाँ, HCl strong acid है तो pH less than 7 रहा होगा और अब क्या हो जाएगा? न्यूट्रल है ना, 7 बोलो, pH 7 हो गया, water है ना pH 7, यानी pH बढ़ आप pH क्या हुआ, बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया, बढ़ा। हाँ, ये questions आते हैं objectives के अंदर ऐसे, next बताएंगे, aqueous CA 3 PO4 whole twice क्या मिलेगा कैथोड पे एनोड पे? कैथोड पे H2, हाँ कैथोड पे H2 और एनोड पे O2, एनोड पे O2 और सॉल्यूशन में यही मिल जाएगा ना? यही रहेगा। बस अब इसका इसमें से पानी गायब हो गया है तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा बहुत। नेक्स्ट एक्वस AgNO3 कैथोड पे एनोड पे AgO2 हाँ कैथोड पे Ag O2 और एनोड पे O2 हाँ और सॉल्यूशन में H2O है ना H2O नहीं H2O नहीं HNO3 क्या आएगा बोलो क्या आएगा देखो Ag प्लस यहाँ मिल गया प्लस गया HNO3 आएगा ना pH पे क्या फर्क पड़ा हाँ नाइट्रिक एसिड pH पे क्या फर्क पड़ेगा डिग्रीज हो जाएगा कम हो जाएगा हाँ pH डिग्रीज हो जाएगा पहले pH कम ही था पहले भी pH less than 7 था क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है AgOH वीक बेस है लेकिन अब तो सिर्फ एसिड ही मिल गया तो pH और कम हो जाएगा pH क्या हो जाएगा और कम अब एसिड मिल गया ना एसिड का pH तो बहुत कम होता है नेक्स्ट एक्वस कुछ भी भेजा जा रही हो मेरे को PbBr2 इसे बताएंगे एक्वस PbBr2 इसका देना आंसर एक्वस KF ये देखते हैं इसका सही होता है एक्वस KF प्रथम बहुत अच्छे प्रथम क्योंकि F वाला एक्सेप्शन केस दिखा मैंने पीछे चेक करेंगे एक बार दिखा था ना F का एक्सेप्शन था F तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास संभाल के रखेगा ना F तो अपने पास इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखेगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा KF तो अभी ये क्वेश्चन समझ आए क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं KF वाला नहीं आया KF अरे उसको चेक करो ना पीछे क्या है F माइनस पीछे नहीं है पहले क्या है सॉल्यूशन में फिर OH माइनस अच्छा ठीक है सर आगे समझ के नहीं हाँ तो ये ध्यान रखना ये मैं आगे जाके हाइड्रोजन में एस ब्लॉक में पी ब्लॉक में यूज करूंगा मैं उसमें डायरेक्ट रिजल्ट बोलूंगा कि यही मिलेगा इसके अंदर बस उसमें भी अभी भी एक्सेप्शन है इसके अंदर एक्सेप्शन देखो हर केस में तुम चेक करो कैथोड पे क्या मिल रहा है H2 गैस मिल रहा है हमेशा कैथोड पे क्या मिल रहा है हमेशा कैथोड पे क्या मिल रहा है हमेशा H2 गैस एक्सेप्ट अगर कॉपर आ जाएगा तो कॉपर और अगर Ag आ जाएगा तो Ag यही दो केस तो है सिर्फ यही वाले दो केस तो है नहीं समझ आया यस आ गया तो ये बस याद रखना हाँ ये याद रखना है अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड कौन से लिए हैं इलेक्ट्रोड कौन से प्लेटिनम या निकल के प्लेटिनम के या फिर निकल के प्लेटिनम या निकल की बात अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्टिव कर दू यहाँ से ना अगर मैं इलेक्ट्रोड कर दू रिएक्टिव तब क्या होगा अगर मैं इलेक्ट्रोड्स जो है रिएक्टिव कर दू जैसे नेक्स्ट केस में देखेंगे यहाँ तक जो कर लेना अगर मैंने
इलेक्ट्रोड्स कर दिए रिएक्टिव, जैसे एक्वस CuCl2 यूजिंग कॉपर के इलेक्ट्रोड्स, तो क्या होगा? कैथोड पे Cl2, कैथोड पे Cl2। अरे कौन बोल, किसने बोला आंसर? ये बिंदिया ने बोला है। यस सर। बिंदिया उल्टे आंसर क्यों? कैथोड पे कभी Cl2 मिल सकता है? सोच के देखो ना, कैथोड पे Cl2 मिलेगा कभी? हां सर, सॉरी सॉरी, कैथोड पे क्या आएगा? Cu मेटल आएगा। हां कैथोड पे Cu आएगा, एनोड पे Cl2। Cl2। हां फिर फर्क ही क्या रह जाएगा क्वेश्चन में, अगर एनोड पे Cl2 ही मिल जाएगा। ध्यान ना, अब ये कॉपर के इलेक्ट्रोड्स है ना, तुम सोच के देखो, अब एनोड पे तुम्हारे पास क्या क्या है? Cl- है, OH- है और कॉपर का मेटल है। अब इनमें से सबसे जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? कॉपर का मेटल, मेटल की टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की। नहीं नहीं, मेटल की टेंडेंसी ज्यादा ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसलिए कभी भी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आ गया, अगर कभी भी क्या आ गया रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, तो एनोड का आंसर चेंज कर देना। एनोड पे सिर्फ क्या मिल जाएगा? उस मेटल का आयन। एनोड पे क्या मिल जाएगा? उस मेटल का आयन, ये मिल जाएगा, बस ये ध्यान रखना। नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? यही चीज है ना, देखो इधर, बस एनोड का आंसर चेंज करना होता और कुछ नहीं। ये मिलते, इसको लगाते हैं, ये जैसे यहां पे इम्प्योर कॉपर है, अब मैंने पहले प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लिए थे, यहां पे अब इम्प्योर कॉपर ले लिया, ये इम्प्योर कॉपर है, ये यहां पे प्योर कॉपर है सपोज, तो अभी तो इम्प्योर कॉपर खत्म होता जाएगा, ये खत्म होता जा रहा है इम्प्योर कॉपर, ये रहा ना इम्प्योर कॉपर, ये एनोड पे इम्प्योर कॉपर लिया, ये इम्प्योर कॉपर क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है। सी यू टू प्लस आयंस मिलेंगे सोल्यूशन में और दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सी यू टू प्लस आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, यही वाले सी यू टू प्लस आयन कैथोड से यहां से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, गेन करेंगे और कॉपर मेटल जाके यहाँ पे अटैच चिपक जाएगा, यहाँ पे जाके ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे, तो इस वाले का टाइम के साथ साथ वेट बढ़ता जाएगा और ये खत्म होता जाएगा, ये खत्म होता जाएगा टाइम के साथ, तो ये प्रोसेस इसे कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ये किसी ने सुना हुआ है क्या पहले कभी? ये पढ़ा हुआ है 9th 10th में? 10th में पढ़ा था। ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वर्ड सुना हुआ है क्या? मेटलर्जी में था। यही हाँ, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है कि एक मेटल इम्प्योर फॉर्म में लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा और ये कॉपर प्लस टू आयंस आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से गेन करेंगे और कैथोड पे जाके अटैच होते जाएंगे, इस तरह से मेटल को प्योरीफाई करते हैं, इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई करते हैं इस तरीके से। समझ आया मेथड कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो इस तरह से करना क्वेश्चन ये, जो दिस वॉज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, अगर याद रखते हो याद कर लेना, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। तो फिर तुमने 10th में पढ़ा हुआ सबने क्या ये सारी चीज? ये 10th में पढ़ा हुआ सारा क्या? बस इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग पढ़ा था। अच्छा, ये सिर्फ यही पढ़ा हुआ है। चलो कुछ होता, अगर मैं कह रहा हूँ एक्वस AgNO3 है, देखते हैं इसका आंसर कौन सा ही देता है। एक्वस AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड्स, तो क्या होगा? कैथोड पे Ag, कैथोड पे Ag और एनोड पे Ag पॉजिटिव। और अच्छे, किसने आंसर दिया ये लास्ट में भी, स्टार्टिंग में बोला है प्रथम ने? कैथोड पे Ag प्लस ये आएगा, कैथोड पे, एनोड पे क्या आएगा? इम्प्योर जो सिल्वर है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मिला एनोड पे, आंसर एनोड का ये एनोड पे आ गया और ये आया कैथोड पे, ये कैथोड। समझ आ गया कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? हाँ, तो ये प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक था, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, इसको बिल्कुल ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। आंसर कैथोड का आंसर, कैथोड का आंसर इज ऑलवेज H2 गैस, एक्सेप्ट इफ वी हैव CU2+ एंड Ag+ एट कैथोड, देन कॉपर एंड Ag आर ऑक्टेट, अदरवाइज ऑलवेज H2 गैस। एंड इन केस ऑफ एनोड, एनोड के केस में एक सिंपल सा तरीका, जिसके अंदर आयंस कम, जिसके अंदर एटम कम, उसका मिल जाएगा गैस, उसका गैस मिल जाएगा, नहीं तो O2 गैस मिलेगा। जैसे X- OH- है तो X2, OH- NO3- है तो O2, OH- SO4- है तो भी O2, Cl- है और NO3- है तो Cl2। समझ आ गया कि नहीं है? और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में एनोड का आंसर सिर्फ चेंज कर देना, एनोड पे उस रिएक्टिव मेटल के आयंस मिल जाएंगे। Ag है तो Ag+, और अगर
कॉपर है तो कॉपर टू प्लस. समझ आ गया आपके? नहीं है? Yes, इसको ढंग से पढ़ लेना, है ना, इसको ढंग. हाँ बोलो सर. इस केस में सोल्यूशन HNO3 आएगा. हाँ जो बच जाएगा सोल्यूशन में आ जाएगा, जो बच जाएगा वो सोल्यूशन में आ जाएगा. सही. चलो अब ये खत्म हो गया. अच्छा अब मेरे को बस एक टॉपिक कराना है तुम्हें. हालांकि अभी इसमें बहुत बचा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह, वो मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा. वो 12th का टॉपिक है, उसको मैं बाद में कराऊंगा. नेक्स्ट अभी हम जो कर रहे हैं वो है रेडॉक्स टाइट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रेडॉक्स टाइट्रेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. स्कूल लेवल पे नहीं पूछेंगे, तीन चार स्कूल को छोड़ के रेडॉक्स टाइट्रेशन. सही ना, रेडॉक्स के टाइट्रेशन कैसे करते हैं. इसके लिए हम ऑक्सीडाइजर एजेंट यूज करते हैं लाइक KMnO4 एंड K2Cr2O7 एंड K2Cr2O7. सही ना. तो इसमें आयोडोमेट्री यूज करेंगे. आयोडोमेट्री मतलब डायरेक्ट अगर आयोडीन का टाइट्रेशन कर रहे हैं तो आयोडीमेट्री. आयोडीन मतलब DIC याद कर लेना. और अगर हम इनडायरेक्ट मैंने आयोडीन हमें किसी और केमिकल रिएक्शन से मिल रहा है फिर उसका टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे आयोडोमेट्री. देन इट इज कॉल्ड एज आयोडोमेट्री. अब रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए, रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए मिलीक्विलेंट्स का कंसेप्ट या मिलीक्विलेंट के फॉर्मूले वो जरूर याद रहने चाहिए. मिलीक्विलेंट के फॉर्मूले जरूर याद रहने चाहिए. वो फॉर्मूले किसी को याद है? चारो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम याद है. पहला फॉर्मूला याद है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. दूसरा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर इनटू एन फैक्टर. तीसरा नॉर्मेलिटी को लिख देंगे मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 और नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000. ये मैंने मोल कंसेप्ट में बहुत बार बताया वो फॉर्मूला. मिलीक्विलेंट्स ध्यान रखना, मिलीक्विलेंट से हम क्वेश्चन कर सकते हैं. क्वेश्चन शॉर्ट भी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा. लेकिन किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो हमेशा उसको मोल कंसेप्ट रिएक्शन को बैलेंस करके फिर करना. सही ना, फिर रिएक्शन को बैलेंस करके करना. सही ना. जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका और मैंने कल रात को कुछ क्वेश्चन भेजे थे, किसी ने देखे थे क्वेश्चन? वो उन क्वेश्चन को जरूर परफॉर्म कर लेना, वो ट्राई करना क्वेश्चन को. अब मैं इसके क्वेश्चन दे रहा हूँ एक दो कि क्वेश्चन करने कैसे हैं. सपोज मेरे को निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4. नंबर मोल्स निकालने हैं KMnO4 के, ये निकालने हैं टू ऑक्सीडाइज से से इसका वेट कितना आएगा 5 ग्राम ले लेते हैं चलो उसको, या 10 ग्राम ले रहे हैं. टू ऑक्सीडाइज 10 ग्राम ऑफ फेरस ऑक्सीलेट. इसको ऑक्सीडाइज करना है और KMnO4 के मोल्स निकालने हैं. ये KMnO4 के मोल्स निकालने हैं तो हम लिखेंगे पहले मिलिक्विलेंट ऑफ KMnO4 एक वर्ड में. मिलिक्विलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ फेरस ऑक्सीलेट. अब KMnO4 के मिलिक्विलेंट्स कितने हैं, इसके मोल्स मेरे को निकालने हैं. तो मोल्स का फॉर्मूला नंबर मोल्स इनटू एन फैक्टर्स का 5 होता है इनटू 1000, यही था फॉर्मूला. और मिलिक्विलेंट ऑफ फेरस ऑक्सीलेट 10 ग्राम है तो इसका मास बाय इसका इक्विवेलेंट वेट